ठीक है, आप बॉडी में जो वेट आपका काफी कम नजर आ रहा है, शेप्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं शायद आजकल बॉडी को लेकर। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हमारे पास संपत्ति कितना है अनंत जी, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा और कोई जानने में इच्छुक भी है। 1,000 करोड़ हो चुका है हमारा। देखिए हमारे अकाउंटेंट यही है, 1,000 करोड़ हो गया कहाँ से, मैंने फालतू गजब खत्म आदमी है। गूगल बता रहा है, गूगल को छोड़िए ना, गूगल कुछ नहीं होता है। गूगल पे तो डालिएगा कि भोजपुरी का नंबर वन कौन है, तो खेसारी लाल यादव ही आता है। तो सही में उसमें गलत क्या है, भोजपुरी किंग कौन है, तो खेसारी ही आता है। सही में बताता हूँ, गलत थोड़ा बताता हूँ। हम लोगों के दिल में कितना रहते हैं ये मायने रखता है। हम गूगल पे रह के क्या, मतलब आप कहना चाहते हैं आप नंबर वन नहीं है? अरे नहीं, मैं नंबर वन अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपनों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपने जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। गूगल पे, गूगल पे संपत्ति हमारा शरीर ही है। गूगल पे अगर सलमान खान के साथ भी डालते हैं कि बेस्ट हिंदुस्तान के हीरो कौन है, तो खेसारी लाल। अच्छा, ये भी आता है। चलिए, आज यह पता चल गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, सलमान जी का एक अलग औरा है और हमारे बड़े क्या बोले, बड़े भाई की तरह है और बड़े स्टार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बगल में खड़े हों, बस हम कोशिश ही कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल ही जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा जी। खेसारी जी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके आने की बात चल रही है बहनों के साथ, और कई बड़े लोगों के साथ प्रोजेक्ट की बात चल रही है आपकी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, टी सीरीज का भी है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का भी है, सारेगामा से लेकर S4EU से लेकर हमारा ग्लोबल म्यूजिक से लेकर जितने भी हमारी कंपनियां हैं सबके लिए मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा भी है, मैंने बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सब लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो देखिए, अब धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा। अब आया हूँ, लगातार काम ही कर रहा हूँ भाई। कल ही कम से कम मुझे लगता है 10 गाने गाया हूँ मैं, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ से फिर गाने गाने गया, 4 बजे सुबह घर पे पहुँचा, फिर 5 बजे 6 बजे के आसपास में सोया, फिर 11 बजे उठ के आ गया, एक फिल्म का पूरा डबिंग किया, 4 गाना फिल्म का गाया, फिर आया हूँ, फिर गाने जाऊँगा, गा के फिर जाऊँगा, फिर कल शूट करूँगा। तो वो तो सिलसिला मेरे जीवन में है, कहिए कि मैं बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि काम करते रहूँ करते रहूँ जी। तो क्या शूट होने जा रहा है सर भाई, क्या? कल मैं कुछ गाने कर रहा हूँ एल्बम के अपने जी, उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट है तो और बाहर भी जाएंगे, और बाहर के बाद फिर एक सिनेमा है तो फिर लखनऊ जाऊंगा। हिमेश रेशमिया साहब के साथ आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं शायद, उसकी जानकारी है, और डीजे ब्रेवो के साथ ही आपके प्रोजेक्ट की बात है। मेरे नजर में चीजें नहीं होती है, वो सब विवेक के नजर में होती है, तो विवेक अपना, वो उनका काम है कि अपना विवेक अपने हिसाब से जहाँ भी उनको लगता है प्रेजेंट करना चाहिए, वो उनके जी में रहता है। मेरे कितने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मुझे सिर्फ, मैं काम को इंजॉय करता हूँ, मुझे कहाँ लेकर जाना है, कहाँ उठा के फेंक देना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ खिलाना है, वो सब भी देख के जी में रहता है और वही करते रहते हैं। फिल्म कौन सी जाने वाली है जी इसके बाद? अभी फ्लोर पे तो फरिश्ते जा रही है हमारी जी, मेरे और लाल बाबू पंडित की, और साउथ के प्रोड्यूसर हैं वो, देखिए।